कांग्रेस पार्टी के संसद को ठप किए जाने के प्लान को लेकर बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे रुख करेंगे संबित पात्रा का। उन्होंने कहा था आह्वान करते हुए कि हम सबको एक साथ काम करने की आवश्यकता है, और बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया था जीएसटी का, और कहा था जीएसटी अर्थात ग्रोइंग स्ट्रांग टुगेदर, एक साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी देश को आगे ले जाएं, देश को आगे बढ़ाएं विकास के पथ पर। यह प्रधानमंत्री का आह्वान था। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां प्रधानमंत्री चाहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि यह देश सभी राजनीतिक दलों के साथ आगे बढ़े, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने 2014 और उसके पश्चात जितने चुनाव हुए वहां बराबर हार देखने के कारण से, कहीं न कहीं बौखलाहट के कारण इस प्रकार की स्ट्रेटजी लेकर आ रही है। आप कहेंगे ये तो लोकतंत्र है, स्ट्रेटजाइज करना और इन बिंदुओं को सामने रखना, इसमें बुराई क्या है? इट्स अ फेयर पॉइंट कि किन्हीं विषयों पे स्ट्रेटजाइज करना बुराई नहीं है, मगर आप अगर ध्यान से इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो पाएंगे कि जो प्रायोरिटाइजेशन है, जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं में ही कहानी छुपी है। द स्टोरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी लाइज इन द डिटेल्स ऑफ प्रायोरिटी। जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है, अगर आम जनता से पूछा जाए कि पहला विषय कौन सा होना चाहिए जिस पे पूरे देश को इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो इसमें दो मत नहीं है कि आम जनता कहेगी कि आतंकवाद का पहला विषय होना चाहिए, किस प्रकार देश को आतंकवाद से बचाया जाए, किस प्रकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जाए, यह पहला विषय होना चाहिए। मगर दुख का विषय है कि पहले 5 या 6 विषय ऐसे हैं जो केवल और केवल धर्म जाति के नाम पर भारतवर्ष को बांटने की एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। यहां केवल और केवल गो रक्षा के विषय में किस प्रकार लिंचिंग और मॉब लिंचिंग को लेकर राजनीति की जा सके, इस विषय पे कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजिक टीम है वह चर्चा करती है। आई वुड कॉल दिस द ड्रॉसियर ऑफ डिसरप्शन। ड्रॉसियर ऑफ डिसरप्शन यह संसद को बाधित करने के लिए 32 पेजों का एक ड्रॉसियर है, एक फाइल है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।